हिमाचल प्रदेश की ऊना में पुलिस विभाग भी कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण कर रहा है। विभाग ने इस जोन में कोरोना संक्रमित लोगों से भी उनके घरों के बाहर से बात की। विभाग ने ऐसे लोगों को किसी भी जरूरत के लिए प्रशासन या पुलिस किसी को भी फोन करने की सलाह भी दी। पुलिस विभाग ऐसे जोन में कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कहते हुए संक्रमित लोगों से अपने घरों से बाहर नहीं आने के निर्देश भी दिए। ऊना में पुलिस विभाग ने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। जिला पुलिस कप्तान अरिजीत सिंह ठाकुर ने स्वयं आगे आकर निरीक्षण दल की अगुवाई की। उन्होंने शहर के कई क्षेत्रों में ऐसे जोन का निरीक्षण किया। हालांकि ऐसे जोन पर नजर बनाए रखने के लिए संबंधित पंचायत या वार्ड सदस्य के साथ साथ संबंधित क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है, लेकिन ऐसे क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की कोई कानूनी उल्लंघना न हो इसके मद्देनजर पुलिस विभाग ने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। विभाग ने ऐसे जोन में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों से घर के बाहर से बात भी की और उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी। पुलिस कप्तान ने ऐसे लोगों को किसी भी जरूरत पर पुलिस अथवा प्रशासन को कॉल करने को कहा। उन्होंने इस अभियान को लगातार जारी रखने का भरोसा दिया। देखिए, माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो अलग अलग जगहों पे। अभी यहाँ पे जैसे एक बिल्डिंग या दो बिल्डिंग जहाँ पे एक एक दो दो लोग जो है पॉजिटिव आए हैं, वो ना केवल शहर के अंदर यानी ऊना शहर के अंदर बल्कि बाकी पंचायतों में भी इस तरह के माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं। अब यहाँ पे वैसे तो इनको मैनेज करने के लिए जो लोकल अर्बन लोकल बॉडीज़ और प्रधानों के नेतृत्व में जो है टीमें गठित की गई हैं, और साथ ही साथ इसमें जो लोकल वीडियो लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी टीमें गठित की गई हैं। पर इसमें हमारा भी रोल एक बनता है कि अगर कोई वॉयलेट करने की शिकायत हमारे पास आती है तो हम उस पर नेसेसरी एक्शन लेते हैं, यहाँ तक कि इस पर एक FIR भी हो सकती है। तो हम इसी के चलते जो है यहाँ पे जो हमारे काउंसलर्स हैं, जो प्रधान हैं, उनकी मदद से हम विज़िट भी कर रहे हैं, और जो हमारे कोरोना पॉजिटिव कुछ पेशेंट्स हैं भी तो उनकी हम उनके बारे में हम जानना चाह रहे थे, और उनको जो डायरेक्टिव्स थे वो भी हमने दिए कि वो किसी को अगर कोई उनको समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये भी बताया कि अगर किसी भी हालत में जो है वो अपने जब तक नेगेटिव नहीं आते कम से कम अपने घरों से ना निकलें। तो उसी जागरूकता के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आज हमने ये चर्चा की और यही कंटिन्यू रखेंगे। हमने पूरे ज़िले में जो पंचायतें हैं, दो दो पंचायतें जो हैं एक IO को दे रखी हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं, तो वो जाके जो है इस काम को बखूबी कर रहे हैं। सर, अभी तक कोई शिकायतें भी पुलिस विभाग के पास पहुंची हैं कंटेनमेंट जोन को लगने के लिए? कुछ शिकायतें हमारे पास ज़रूर आई थी, उस पर हमने एक्शन भी लिया है, पर इस तरह की कंप्लेंट जो है बहुत रैम्पेंट नहीं है। आप लोगों के माध्यम से भी मैं ये बताना चाहूँगा, सभी खासकर जो जैसे मैंने कहा पंचायत प्रधान और अर्बन लोकल बॉडीज़ के प्रतिनिधि, उनको अगर कोई भी समस्या या इस तरह की कोई भी शिकायत आती है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर्स और हमारे IOs की डिटेल जो है उनके पास अवेलेबल हैं। 24 घंटे किसी भी टाइम हमको पुलिस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम उनकी मदद करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। PLTV के लिए ऊना से रिथम की रिपोर्ट।